हेलो माय क्लास 12 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज इस चैनल पर हम 12th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रैक्टिकल टॉपिक, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। ये प्रैक्टिकल टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसे थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये प्रैक्टिकल पर भी आपको परफॉर्म करना है, यानी डिवाइस पे भी। तो आज इस वीडियो में हम दोनों चीज़ें देखेंगे, पहले इसका थ्योरेटिकल फॉर्मेशन, देन उसके बाद हम इसको कैसे प्रैक्टिकली डिवाइस पे वेरीफाई करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी, न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक पर आते आते हैं। तो हम शुरू करते हैं मीटर ब्रिज। तो एग्जैक्टली फर्स्ट थिंग इज दैट कि मीटर ब्रिज है क्या, क्यों यूज़ होता है, क्या करता है। मीटर ब्रिज इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हम इसके थ्रू किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये काम तो हम पहले भी करते थे भाई, अगर एक रेजिस्टेंस गिवन है, उसका हमें वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना आसान था, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। बट दूसरा हमें ये भी मालूम था कि अगर कलर कोड उसमें दिए हों, तो हम कलर कोडिंग वाले स्लैब के अकॉर्डिंग भी फिजिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सपोज़ हमारे पास एक वायर है, ये छोड़िए कोई भी एक हमारे पास डिवाइस है, जैसे हमने कहा पंखा, ट्यूबलाइट या कुछ भी, उसका रेजिस्टेंस निकालना है हमें। सपोज़ फ़ैन का ही निकालना है, तो उस कंडीशन में लेंथ, एरिया, इन सब का तो मतलब ही ख़त्म हो गया, वोल्टेज, करंट, इन सब का मतलब ही ख़त्म हो गया। सपोज़ हमें एक वायर गिवन है और हमें उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बट हमें ना तो उसका पोटेंशियल पता है, ना करंट पता है, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म। अब लेंथ मेजरमेंट करें, एरिया मेजरमेंट करें, तब जाके एक फॉर्म लगता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये भी एक टफ टास्क है, लेंथ मेजर करना, फिर उसका रेडियस फाइंड करना, उससे एरिया बनाना। यहाँ पर ज़रूरत पड़ी हमारे पास इस मीटर ब्रिज की, हम प्रैक्टिकली उसको इस मीटर ब्रिज में अरेंज करेंगे वायर को, और ये हमें उसकी वैल्यू फाइंड करके दे देगा। तो मीटर ब्रिज है क्या? ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसके थ्रू हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी वेरीफाई करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी वेरीफाई करेंगे। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज बेसिकली बेस्ड ऑन द व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, अगर दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अनदर दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, तो बीच के डायगोनल में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें करंट पास नहीं होता, यानी इफ़ पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, नो करंट पास इन गैल्वेनोमीटर। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा मीटर ब्रिज भी बेस्ड है। फिर एक जनरल सा क्वेश्चन आता है, इसका नाम मीटर ब्रिज ही क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो मैग्नीन का वायर यूज़ हुआ है उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर है, बट ये भी कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि हमें लेंथ 1 मीटर ही लेनी है, बट नॉर्मली हम लोग डिवाइस में 1 मीटर लेते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। बट आप चाहें तो किसी और लेंथ को भी लेकर इस मीटर ब्रिज का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि 1 मीटर ही लेना पड़े। अब इतनी बातें क्लियरिफाई होने के बाद हम शुरू करते हैं पहले इसका थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्मेशन, कि मीटर ब्रिज बेसिकली दिखता कैसा है, क्या काम है उसका, कर क्या रहा है वो। तो पहले बोर्ड पे देखते हैं मीटर ब्रिज को। ये एक वुडन के बेस पर अरेंज होता है, इसमें स्टील की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। कैसी होती हैं वो ये देखिएगा, एक होती है मिड में स्ट्रिप, ये है एक मिड में स्ट्रिप, दो होती हैं साइड में एल शेप स्ट्रिप, ये होती है एक साइड में दूसरी एल शेप स्ट्रिप। कुछ ऐसा दो एल शेप हो गई साइड में, बीच में आई शेप की, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, इसके बीच में ये लगा होता है मैग्नीन का 1 मीटर लेंथ का वायर, इसी की वजह से इस पूरे डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। और इसकी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए साथ साथ नीचे लगा होता है एक वुडन का स्केल, ये वुडन का स्केल है जिसमें 0 दोनों साइड से कैलकुलेट हो सकता है, इधर से भी, और यही काम हम ऊपर से भी कर सकते हैं, चाहे 0 से इधर काउंटिंग शुरू कर दो या 0 से इधर काउंटिंग,
दोनों साइड से ज़ीरो अप्लीकेबल है। फिर इसको करंट पास करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लगा होता है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी एक ऑन ऑफ की के साथ, ये बैटरी जिसका ईएमएफ है ई और ये आपकी ऑन ऑफ की केबल। उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, इनके बीच में लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें 0 से लेकर 500 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी एक ग्रुपिंग होती है जिससे हम जो चाहें वो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा एक स्क्रू यहाँ होता है, फिर दो स्क्रू यहाँ, ये जो हमारे पास स्क्रू हैं इनमें लगाते हैं हम उस अननोन वायर को जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, यानी ये क्या है वो अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वायर। यहाँ से लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर अटैच होता है जॉकी से, जॉकी जस्ट लाइक अ पेन होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये तो करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, करंट लेफ्ट में जा रहा है या राइट में, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपका मीटर बेस। वंस अगेन पूरा वुडन का बेस है ये सारी, अभी आपको प्रैक्टिकल डिवाइस भी दिखाए जाएंगे बट पहले थ्योरेटिकल क्लियर कर लीजिए। वुडन का बेस है, उस वुडन के बेस पर यहाँ दो स्क्रू हैं जिनके बीच में एक मैग्नीन का वायर लगा हुआ है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। यहाँ पे स्टील की बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स होती हैं, ये स्ट्रिप चौड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा इनका उतना डिवाइस का रेजिस्टेंस कम। तो डिवाइस का खुद का रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेशन में दिक्कत ना करे इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी एरिया वाली स्ट्रिप्स लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है। यहाँ से जो स्क्रू है वो गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर फिर जॉकी से, इन दोनों के बीच में लगाया वो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मीटर बेस में अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास R इक्वल टू रो L अपॉन A। इस फॉर्मूले से हम लोग यूज़ करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करनी होती है डिवाइस की एक्यूरेसी, मींस हमारा डिवाइस प्रॉपर्ली ओके है फंक्शन के लिए या नहीं। उसके लिए सबसे पहले की K1 ऑन करते हैं ताकि डिवाइस में करंट फ्लो हो जाए, उसके बाद जॉकी को एक बार लेफ्ट में टच कराते हैं और एक बार राइट में, और देखते हैं गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं, मतलब लेफ्ट में चेक करने पे निडल वन साइड चली गई, राइट में चेक करने पे निडल अनदर साइड अगर जा रही है फुल फॉर्म में तो इट मीन्स आपका डिवाइस ओके है, वो आपके प्रैक्टिकल के लिए रेडी है। अब क्या करना होता है, इसके बाद हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपनी चॉइस का एक रेजिस्टेंस आउट करते हैं, एक्टिव कराते हैं, प्लग की को बस बाहर कर दीजिए वो रेजिस्टेंस उतनी वैल्यू का एक्टिव हो जाएगा। अब हमें जॉकी को लेफ्ट से आगे टच करना होता है, कब तक, जब तक कि गैल्वेनोमीटर की निडल बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन ख़त्म, करंट पास ना हो। सपोज़ ये पॉइंट हमें मिला जे, तो जे वो पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं नल पॉइंट, जिस पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो आता है, वो स्ट्रेट हो जाती है निडल। अब ए से लेकर जे तक का लेंथ कितना है, सपोज़ एल, तो रेस्ट ऑफ लेंथ कितना हुआ 100 माइनस एल। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वायर है जॉकी से लेफ्ट का उसको बोलते हैं हम लोग पी, उसके रेजिस्टेंस को, और राइट वाले के रेजिस्टेंस को क्यू। अब ये पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो लेंथ कितनी है इसकी एल, एरिया ए, वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सिमिलर है, इसका मतलब एरिया सब जगह सेम रहेगा। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो ए की मटेरियल का है इससे रो चेंज नहीं होगा, लेंथ हो गई इसकी 100 माइनस एल, एरिया हो गया ए। हमें मिल चुका है पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हो रहा इट मीन्स ये एक बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, और जिसमें फॉर्मूला लगता है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। पी की वैल्यू रखी हमने रो एल अपॉन ए, क्यू की वैल्यू रखी रो 100 माइनस एल अपॉन ए इक्वल टू आर अपॉन एस, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल अपॉन 100 माइनस एल इक्वल टू आर अपॉन एस,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस मिला आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ये वो फॉर्मूला है मीटर ब्रिज का जिसके थ्रू हम इस अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। बेनिफिट क्या है और क्या चीज़ें छूट गई, हमें ना तो इसके पोटेंशियल से मतलब है, ना इसमें पास होने वाले करंट से मतलब है, ना इसकी लेंथ से मतलब है, ना इसके एरिया से मतलब है। मतलब ना तो आप R इक्वल टू वी अपॉन आई वाले फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं इसमें, ना आप R इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाले को यूज़ कर रहे हैं। बस आप क्या निकाल रहे हैं, इस नल पॉइंट की लेंथ और साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स से खुद निकाले गए रेजिस्टेंस की वैल्यू, तब भी आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ मिल पा रही है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन है इसलिए इसकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा अच्छे से आती है। बात करते हैं उन चीज़ों की जिनकी हमें खास रिक्वायरमेंट पड़ती है इस प्रैक्टिकल के लिए। दैट इज़ योर मीटर ब्रिज। ये वुडन का बेस जो है, ये है आपका मीटर ब्रिज। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं सेम वही स्ट्रिप्स लगी हुई हैं स्टील की। एक जंक्शन खाली है जहाँ पे हम लगाएंगे इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स, इस स्क्रू पे हम लोग लगाएंगे, एक हमारा जॉकी, इसमें अननोन वायर और ये दूसरी स्ट्रिप्स। और ये देखिए स्केल, जीरो से लेकर इसकी टोटल लेंथ दोनों साइड से काउंट किया है तो 100 सेंटीमीटर। दैट्स वाई इसका नेम होता है मीटर ब्रिज। दूसरा हमें जरूरत पड़ती है एलिमिनेटर की। ये एलिमिनेटर क्या करता है, ये आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, 2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक जितनी डीसी आपको चाहिए आप इसे ले सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये कहलाता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं 0.1 0.5 इस तरीके से फ्रिक्शनल वैल्यू उसमें दी हुई है रेजिस्टेंस की। ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसके थ्रू हम डिफ्लेक्शन जो करंट में हो रहा है उसको मेजरमेंट करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर, दिस इज जॉकी, कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस वायर, ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इनका कनेक्शन कैसे करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम कनेक्शन के बारे में बात करने के लिए। ये है हमारे मीटर ब्रिज का लेफ्ट टर्मिनल, लेफ्ट साइड वाला। यहाँ से हम जीरो काउंट करनी शुरू करेंगे, ये हमारे जीरो यहाँ से काउंट करनी शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड समथिंग। इस लेफ्ट वाले टर्मिनल का कनेक्शन हम जाके करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हमारा एलिमिनेटर है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके अगले टर्मिनल को, यानी लेफ्ट से जो आगे पॉइंट जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा बीच में ब्लैंक, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स भी कैसे जोड़ना है, करंट यहाँ तक तो फ्लो होता हुआ आ चुका है, इस पॉइंट को अटैच करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के मिनिमम वाले पॉइंट से। देखिए 0.1 जहाँ लिखा है उस तरफ, और दूसरी साइड से जो करंट बाहर निकल के आएगा इनफाइनाइट वाले पॉइंट से, उसको हम यहाँ पे, वन सेकेंड फिर से देखिए, यहाँ तक करंट पहुँच चुका था, ये जो मिनिमम पॉइंट है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के मिनिमम 0.1 वाले पॉइंट से जुड़ेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो इसके मैक्सिमम वाले से। करंट फ्लो हो चुका है यहाँ तक, ये जो पॉइंट है हमारा इसका कनेक्शन अब हमें किससे करना है, अब हमें करना है इसका कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से। ये पॉइंट जाके जुड़ेगा गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से, और दूसरे टर्मिनल से इसको हम अटैच कर देंगे अपने जॉकी से। ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो बताएगा हमें करंट का डिफ्लेक्शन कहाँ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्लैंक, इस वाले को देखिए, इसमें हमें अटैच करना होता है रेजिस्टेंस वायर। ये है हमारा वो रेजिस्टेंस वायर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दिस वन, इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं रेजिस्टेंस वायर की। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम बैटरी के निगेटिव से, यानी मैंने इसे अटैच किया है अपने एलिमिनेटर के निगेटिव पॉइंट से, और एलिमिनेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट। तो एक बार रिपीट करते हैं कनेक्शन, एलिमिनेटर का पॉजिटिव वाला आपके मीटर ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड टर्मिनल से, और उसके बाद इस पॉइंट पे क्या जुड़ेगा हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स ये मिनिमम में, और इधर से आके ये इनफाइनाइट वाला। फिर इसका एक पॉइंट जुड़ेगा हमारे गैल्वेनोमीटर से, दूसरा पॉइंट जॉकी से। यहाँ पे हम लोग क्या अटैच करते हैं, वो वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और इसका दूसरा पॉइंट किससे अटैच होता है, वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। शुरू करते हैं इसकी रीडिंग लेना। पहले हम लोग जॉकी को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर, ये मैंने जॉकी को टच किया लेफ्ट साइड में, देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आता है।
तो आप देख पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन एक दूसरी साइड पे है। अब हम जॉकी को ले आके टच करेंगे अनदर साइड पे, ये मैंने इसे टच किया और अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, दूसरी साइड पे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन राइट में, और जब लेफ्ट में टच किया तो गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन राइट, एक बार लेफ्ट में आ रहा है एक बार राइट में आ रहा है, मतलब डिवाइस आपका वर्किंग के लिए ओके है। अब इसकी रीडिंग कैसे निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे एज पर आवर चॉइस। ये मैंने निकाला 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू का 0.1 ओम का। इस प्लग की को बाहर कर लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस एक्टिव हो चुका है 0.1 ओम का। अब हम जॉकी की सहायता से जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे आगे नल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हमें दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर कहाँ पे है, वन साइडेड। आगे चलते हैं, अभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ रहा है, वन साइडेड। और आगे चलते हैं, हम फाइंड करेंगे वो पॉइंट जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो। लगातार हम इसे मूव कर रहे हैं आगे, हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ जाए जीरो। ये वो पॉइंट है जिस पे हम देख पा रहे हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, और इसकी पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 86 सेंटीमीटर पे हमें दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है हमारे पास, ज़ीरो। 86 पर एग्जैक्टली डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ रही है ज़ीरो। देखिए 86 पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो, यानी हमारे पास जो प्रीवियस लेंथ आई वो है हमारे पास 86। हम निकालते हैं दूसरी रीडिंग। दूसरी रीडिंग निकालने के लिए हम इस जॉकी को अपनी जगह पे प्लेस करेंगे, और इस बार हमने निकाला है 0.2 ओम का रेजिस्टेंस, 0.2 ओम का। और इसके लिए फिर से हम फाइंड करते हैं नल पॉइंट कहाँ से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, हमें दिखाई दे रहा है लगातार आगे बढ़ने पर फिर एक नई पोजिशन वो जहाँ पर आपको नल पॉइंट मिलेगा। इस बार ये पोजीशन हमें मिली है जाके ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है इस बार हमारा 87। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं, 87 पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है, 87 पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। इस तरीके से हमने दो रीडिंग फाइंड कर ली, एक वैल्यू 86 पर जब रेजिस्टेंस था 0.1, एक वैल्यू 87 पे जब रेजिस्टेंस था हमारे पास 0.2। अब इसकी शुरू करते हैं, जो रीडिंग हमने फाइंड किया उसकी कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रीडिंग फाइंड की थी हमने 0.1 ओम पे, वो आई थी 86 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट, मतलब 100 माइनस एल हो गया 14। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग S1 इक्वल टू R 100 माइनस एल अपॉन एल से इसकी कैलकुलेशन करें तो 0.1 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 86 इज 0.016। ये फर्स्ट वैल्यू से फाइंड होने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू। और अगर हम दूसरी वैल्यू से कैलकुलेट करें 0.2 जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला था, तो 87 आई थी हमारे पास नल पॉइंट की वैल्यू, और इसके लिए काउंटेबल करें तो वैल्यू आती है 0.029। मतलब दोनों वैल्यूज़ का अगर एवरेज किया जाए तो 0.45/2, इट मीन्स ऑन एन एवरेज फाइनल वैल्यू जो हमें मिली है वायर की वो है 0.02 ओम। इस तरीके से हमने उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। होप सो आपको ये क्लियरिफाई हो चुका होगा मीटर बेस्ड। अब हम शुरू करेंगे इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो।